हैं रायपुर से, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नजारा रायपुर के गोल बाजार का है, जहां पर लोगों में सामान लेने को लेकर होड़ लगी हुई है। हालांकि यहां पर राशन की दुकानों के साथ ही आवश्यक सामग्रियों की दुकान रोज 3 बजे तक खुली रहती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहां पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक जवान भी मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि राजधानी में 350 कैमरे और ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है, उसके बावजूद भी ये तस्वीर देखने को मिल रही है। अगर आपको तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं पता है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोगों की काफी भीड़ है, इसे भी कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि यहाँ के लोग ऐसा सोच रहे हैं। तभी तो देखिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ बनाए हुए खड़े हुए हैं, और यहाँ पर दुकानदार जो है वो प्रॉपर यहाँ पर गोले बनाए हुए हैं, फिर भी जो लोग हैं वो वहाँ पर खड़े नहीं हो रहे हैं और भीड़ जो है वो काफी देखी जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी का ये दुकान केवल 3 बजे तक खुला है, इस वजह से लोगों में सामान लेने की होड़ लगी हुई है। एक तरफ से देखा जाए तो ये भीड़ है वो काफी ज्यादा है, लेकिन दुकानदारों के द्वारा भी समझाइश जो है वो नहीं दी जा रही है, या यूं कहें कि एक तरफ लोगों में जागरूकता की कमी पाई गई है, या फिर ये लोग भीड़ बनाकर कोरोना वायरस को खुलेआम आमंत्रण दे रहे हैं। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस। अगर आप देश